नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग इंस्टेंट हार्टिकल्चर की वेजिटेबल क्रॉप में कॉल क्रॉप, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल क्रॉप है जिसका नाम है नॉल खोल, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। और केवल नॉल खोल ही नहीं, नॉल खोल, स्प्राउटिंग ब्रोकली, मिनी कैबेज या केल, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। दो क्रॉप मैंने पढ़ा दी है, कॉलीफ्लावर और कैबेज। नॉल खोल में ये कॉल क्रॉप में 5 क्रॉप्स हैं जिसमें 2 मैंने पढ़ा दिया है, बाकी जो बच रही हैं 3 क्रॉप्स वो आज हम पढ़ा के ख़त्म कर देंगे। तो सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं नॉल खोल क्रॉप के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है और देखने में कैसा होता है। नॉल खोल को हम हिंदी में कहते हैं गांठ गोभी। ये देखने में ऐसा होता है और इसकी सब्जी बना के खाई जाती है। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है ब्रेसिका उलरेसिया, वेराइटी है गोंगोलाइडिस। क्या है? ब्रेसिका उलरेसिया, वेराइटी गोंगोलाइडिस। एक बार फिर से सुन लीजिए, ब्रेसिका उलरेसिया, वेराइटी गोंगोलाइडिस। इसकी जो फैमिली है क्रूसीफेरी है, जो फैमिली कैबेज की है, जो फैमिली कैलीफ्लावर की है, वही फैमिली इसकी भी है। कौन सी है? क्रूसीफेरी इसकी फैमिली है। इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो मेडिटेरेनियन रीजन है। मेडिटेरेनियन रीजन नॉल खोल का जो है वो ओरिजिन प्लेस है। बेस्ट टाइम ऑफ प्लांटिंग, इसके प्लांटिंग का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है, मतलब किस टाइम में इसको इसकी प्लांटिंग सबसे अच्छी मानी जाती है, वो है अक्टूबर का महीना। अक्टूबर में इसकी प्लांटिंग अच्छी होती है। उसके बाद अगर हम वैरायटी की बात करें तो कौन कौन सी वैरायटीज़ की हैं जो कल्टीवेट करी जाती हैं, उसमें से कुछ वैरायटीज़ हैं इंट्रोड्यूस वैरायटी जो विदेशों में ग्रो की जाती थी और हूबहू वही वैरायटी इंडिया में आई और इंडिया में भी ग्रो होने लगी। उसमें से वाइट वियना सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी है, काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। पर्पल वियना और किंग ऑफ नॉर्थ, ये 3 वैरायटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो नॉल खोल की वैरायटीज़ हैं, इंट्रोड्यूस वैरायटीज़ हैं, काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछी गई हैं। उसके बाद है सदाशिव, एक ये भी अच्छी वैरायटी है। फिर उसके बाद है सटन्स अर्लीस्ट पर्पल, फिर है पर्पल स्पीक, ये अर्लीस्ट वैरायटी है जो पर्पल स्पीक है, ये सबसे अर्लीस्ट वैरायटी, यानी कि मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी सबसे पहले ही हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इन इंडिया नॉल खोल इज़ पॉपुलर इन कश्मीर अर्ली पर्पल वियना, मतलब नॉल खोल की जो सबसे पॉपुलर वैरायटी है कश्मीर में वो है अर्ली पर्पल वियना। कौन सी? अर्ली पर्पल वियना, ये नॉल खोल की एक ऐसी वैरायटी है जो जम्मू कश्मीर में काफ़ी फेमस होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कोल्ड होता है और कोल्ड टेम्परेचर में आसानी से ग्रो हो जाता है और इसी वजह से वहाँ पर अच्छे से ग्रो किया जाता है। क्योंकि उस समय अगर जम्मू कश्मीर में हम ग्रो करेंगे और लाके यूपी बिहार के मैदानी क्षेत्रों में अगर हम इसकी सेलिंग करेंगे तो हमको प्रॉफिट अच्छी मिलती है, इसी वजह से वहाँ पर ज़्यादा ग्रो करा जाता है। फिर नॉल खोल जो होता है ये फॉर सेड प्रोडक्शन, अगर हम केवल इसका सेड प्रोडक्शन कर रहे हैं नॉल खोल की, यानी कि गांठ केवल प्रोड्यूस कर रहे हैं सब्जी बनाने के लिए, तो इस तरीके से अगर देखा जाएगा तो ये एनुअल क्रॉप है, यानी कि एक बार लगाओगे 120 से 125 दिन के आसपास में तैयार हो जाएगा और आप हार्वेस्ट करके सब्जी बना के खा सकते हैं। लेकिन अगर वहीं हम बात करें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने की, अगर फ्लावरिंग या फ्रूट लेना है, चाहे नॉल खोल की क्रॉप में अगर आपको फ्लावर लेना है या फ्रूट लेना है, तो इन दोनों कंडीशन में आपको बाइनियल क्रॉप लेनी पड़ेगी, यानी कि 2 साल लग जाएगा। ठीक, 1 साल से ज़्यादा और 2 साल से कम, इतना लग जाता है इसमें। कब? जब हमको फ्लावर और फ्रूट लेना होता है। ब्रुसेल्स स्प्राउट एंड नॉल खोल आर टिपिकली बाइनियल क्रॉप, ये जो ब्रुसेल्स स्प्राउट और नॉल खोल है ये टिपिकली तो बाइनियल क्रॉप है, लेकिन जो ब्रोकली कम्पेस्टिस है जिसको हम ब्रोकली भी बोलते हैं, ये एनुअल और बाइनियल दोनों होता है। बात समझो एक बार, ब्रुसेल्स स्प्राउट और नॉल खोल ये दोनों मेन रूप से क्या हैं? बाइनियल क्रॉप है, मतलब द्विवर्षीय हैं। और जो ब्रोकली है ये कैसी है? एनुअल और बाइनियल दोनों तरीके की होती है। समझ गए बात? अब अगली जो क्रॉप है, नॉल खोल के बारे में इतना ही इम्पोर्टेंट था। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसका साइंटिफिक नेम और वैरायटी। ठीक, और सीड रेट भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो सीड रेट इसका मैंने पढ़ा दिया है सब स्टार्टिंग में। जब मैं इसका सेकंड इंस्टेंट हार्टिकल्चर का सेकंड पार्ट वेजिटेबल वाला स्टार्ट कर रहा था तो उसमें मैंने एक बार प्रोडक्शन, सीड रेट, ये सब बता दिया है। अब ब्रुसेल्स स्प्राउट जिसको हम मिनी कैबेज बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है ब्रेसिका ओलेरेसिया, वेराइटी है इसकी गैमीफेरा। देखो,
जितने भी कोल क्रॉप हैं उनका सबका बोटेनिकल नेम ब्रेसिका ओलेरेसिया ही है, केवल वेराइटी में डिफरेंस है। ठीक, तो ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी इसकी कौन सी है, गैमीफेरा वेराइटी है। क्या है, ब्रसल्स स्प्राउट, जिसको हम मिनी कैबेज भी बोलते हैं। इसकी फैमिली भी क्रूसीफेरी फैमिली का है, इसका ओरिजिन प्लेस भी जो है वो मेडिटेरेनियन रीजन है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो है ये काफ़ी अच्छा सोर्स होता है विटामिन ए का, यानी कि जो स्प्राउटिंग ब्रोकली है इसमें या मिनी कैबेज है, इस मिनी कैबेज में विटामिन ए काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन इसमें होता है, जो वो प्रोटीन होता है इसके अंदर, प्रोटीन इसके अंदर होता है 4.4%। इसकी जो वेराइटीज़ होती हैं वो देख लेते हैं। इसमें वेराइटी है हिल्डिस आइडियल, एक ये वेराइटी है। उसके बाद है रूबेन F1 हाइब्रिड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वेराइटी है, यू हैव टू रिमेंबर इट। और उसके बाद है जेड क्रॉस, उसके बाद है अमगर्क मार्केट, डानिश प्राइस, ये सब वेराइटीज़ हैं। इसमें से एक लॉन्ग आइसलैंड वेराइटी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वेराइटी मानी जाती है। अर्ली मॉम ये भी एक अच्छी वेराइटी है। ड्वार्फ इम्प्रूव ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी भी गई है, जो कि एक मिनी कैबेज यानी ब्रसल्स स्प्राउट की वेराइटी है। फिर है किवलिक, ये भी एक ठीक ठाक वेराइटी होती है। फिर एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ पोटास इम्पैक्ट बिटरनेस अफेक्ट क्वालिटी, कह रहा है कि अगर हम मिनी कैबेज की कल्टिवेशन के समय पोटास का ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो क्या होगा, इसमें बिटरनेस आ जाएगा, खाने में हल्का सा कड़वा लगने लगेगा, कसैलापन आ जाएगा, जिससे इसकी क्वालिटी क्या होती है, ख़राब हो जाती है। उसके बाद जो पांचवे टाइप का है वो है स्प्राउटिंग ब्रोकली। बात समझो, ये जो स्प्राउटिंग ब्रोकली है इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है ब्रेसिका ओलेरेसिया, वेराइटी इटैलिया का है। ठीक, क्या है, इटैलिका है या इटैलिया का, कुछ भी पढ़ लो, इटैलिका लिखा है। ठीक, इसकी वेराइटी क्या है, ब्रेसिका ओलेरेसिया, सॉरी बोटेनिकल नेम क्या है, ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी इटैलिका। फैमिली इसकी है क्रूसीफेरी। रिच सोर्स ऑफ सल्फोराफेन कंपाउंड एसोसिएटेड विथ रिड्यूस रिस्क ऑफ कैंसर। ये जो स्प्राउटिंग ब्रोकली होती है इसके अंदर एक सल्फोराफेन नाम का कंपाउंड पाया जाता है, जिसके सेवन से कैंसर की जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाती है, यानी कि कैंसर होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। ऐसा समझ सकते हो कि कैंसर पीड़ितों के लिए ये काफ़ी अच्छी सब्जी मानी जाती है। कौन सी सब्जी है ये, ये आपकी सब्जी है स्प्राउटिंग ब्रोकली। इसके जो वैरायटीज़ है उसमें पाम समृद्धि ये सबसे इम्पॉर्टेंट वैरायटी है, केवल यही एक वैरायटी मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी और जितनी वैरायटीज़ हैं, अगर आपके पास टाइम है, ग्रीन बड भी एक अच्छी वैरायटी है तो आप लर्न कर सकते हैं। फिर ग्रीन हेड वैरायटी है, ये सब जो वैरायटीज़ हैं वो इसकी अच्छी वैरायटीज़ हैं स्प्राउटिंग ब्रोकली की। फिर आगे अगर हम बात करें तो अर्ली मिड टाइप आर एनुअल, मतलब जो अर्ली और मिड टाइप की वैरायटी होती है, एडली नहीं मिड लिखा है, अर्ली और मिड टाइप की जो वैरायटीज़ होती हैं वो कैसी होती हैं, एनुअल होती हैं, यानी कि साल भर में ही सब कुछ हो जाता है इसका सीडिंग टू सीडिंग। और उसके बाद जो लेट टाइप की वैरायटीज़ हैं वो बायनियल नेचर की होती हैं, यानी कि इसमें 2 साल का टाइम लग जाता है। समझ गए बात, अब आगे बात करते हैं। इट हैज़ 130 टाइम मोर विटामिन ए, मतलब जो स्प्राउटिंग ब्रोकली होता है इसके अंदर, स्प्राउटिंग ब्रोकली के अंदर 130 गुना ज़्यादा विटामिन ए और 22 गुना ज़्यादा, 130 गुना ज़्यादा विटामिन ए होता है कैलीफ्लावर से, यानी कि कैलीफ्लावर में जितना विटामिन ए पाया जाएगा उससे 130 गुना ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाएगा, स्प्राउटिंग ब्रोकली में पाया जाएगा, और 22 गुना ज़्यादा पाया जाता है कैबेज से। मतलब समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा विटामिन ए इसमें होता है। उसके बाद है एक्सेस यूज ऑफ कोल क्रॉप। अगर हम कोल क्रॉप, जितने भी कोल क्रॉप हैं, चाहे वो फूल गोभी हो, पात गोभी हो, गांठ गोभी, स्प्राउटिंग ब्रोकली हो, केल हो, मिनी कैबेज हो, जितने भी हैं, अगर इनका हम एक्सेस मात्रा में कंजम्पशन करेंगे, ज़्यादा इसको खाएंगे, तो इससे स्वेलिंग हो जाने लगती है हमारी जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड जो ग्लैंड है इसमें स्वेलिंग होती है, जिसको हम गोइटर डिजीज़ कहते हैं या घेंघा रोग बोलते हैं। गले की जो ग्रंथियाँ होती हैं वो फूल जाती हैं, तो ज़्यादा इसके सेवन करने से ये प्रॉब्लम हो सकती है। इन ड्राई कंडीशन,
अगर ड्राई कंडीशन है यानी कि मौसम बहुत सूखा सूखा हुआ है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कम है और पानी भी कम बरस रहा है, तो इस कंडीशन में जो क्रॉप होती है वो फाइबरस हो जाती है। कोई भी कोल क्रॉप हो, अगर पानी की कमी होगी और इन्वायरमेंट भी सूखा सूखा सा रहेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम रहेगी, तो क्या होगा कि जो क्रॉप है वो फाइबरस ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि उसमें रेसे ज़्यादा हो जाएंगे, खाते समय दांत में बहुत फंसेगा, ऐसे समझ सकते हो। ऑर्डर ऑफ कोल क्रॉप का जो ऑर्डर है वो है पापावेरलस। क्या है? पापावेरलस। इसके बाद अगर हम बात करें इन्फ्लोरोसेंस की, तो इन्फ्लोरोसेंस जो इसमें होता है वो साइमोज टाइप का होता है, बात समझो। ये होता है रेसिमोज और ये होता है साइमोज। इन्फ्लोरोसेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। किसी भी प्लांट में जो फ्लावरिंग हो रही है उसमें ढेर सारे फ्लावर का अरेंजमेंट किस तरीके से है, उसी को हम बोलते हैं इन्फ्लोरोसेंस। तो दो तरीके के इन्फ्लोरोसेंस होते हैं जिनमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, एक रेसिमोज होता है और एक साइमोज होता है। तो जो रेसिमोज टाइप का होता है उसमें जो सबसे टर्मिनल पोर्शन होता है यहाँ पर कोई फ्लावर नहीं होता है, लेकिन जो साइमोज होता है इसमें ऊपर एक फ्लावर होता है। दोनों में केवल इतना ही डिफरेंस है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। हाँ, एक चीज़ और होती है, रेसिमोज में क्या होता है कि सबसे पहले ये वाले फ्लावर निकलते हैं, लेकिन साइमोज में क्या होता है, सबसे पहले ऊपर वाले फ्लावर निकलते हैं। तो इसमें इस तरीके का होता है, ऊपर से नीचे, इसमें नीचे से ऊपर, और इसमें जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है यहाँ पर फ्लावर नहीं होता, इसमें सबसे ऊपर वाले पार्ट पर सबसे पहले ही फ्लावर आ जाता है। तो इन्फ्लोरोसेंस कैसा होता है केल क्रॉप का? इन्फ्लोरोसेंस इनका होता है, सॉरी केल क्रॉप का हूँ, स्प्राउटिंग ब्रोकली का जो इन्फ्लोरोसेंस होता है वो साइमोज टाइप का होता है। अब इसमें जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट करनी होती है, जैसे ऐसे समझो कि नई नई वैरायटी डेवलप करनी होती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, मास सेलेक्शन बहुत कॉमन प्रैक्टिस मानी जाती है इसमें वैरायटी डेवलप करने के, या क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में अच्छी अच्छी वैरायटीज़ को डेवलप करने का, इम्प्रूवमेंट वर्क करने का कौन सा सबसे अच्छा मेथड होता है इस क्रॉप में, मास सेलेक्शन वाला। मास सेलेक्शन देखो ऐसे समझो, सिंगल ऐसे बहुत नॉर्मल भाषा में समझो तो मास सेलेक्शन क्या होता है, जैसे मान लो कि एक फील्ड है, उस फील्ड में हमने ढेर सारा लगा दिया स्प्राउटिंग ब्रोकली। अब क्या होगा कि उसमें से हम देखेंगे कि कोई एक अच्छा सा जो बहुत सुपीरियर पौधा लगे, जिसके फ्रूट अच्छे हों, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि उसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसका फ्लावरिंग तक और सीडलिंग तक उसका इंतज़ार करेंगे कि अच्छे से सीडलिंग हो जाए। फिर जब उसमें वो जो सीड निकलेगा उस सीड को हम लेके आएंगे और फिर उसी को मल्टीप्लाई कर करके हम एक वैरायटी डेवलप कर लेते हैं। सिंपल से ऐसे होता है मास सिलेक्शन। अब डिटेल में जब कभी हम जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, बैक क्रॉस मेथड यूज टू ट्रांसफर रेजिस्टेंट गवर्न बाय वन और द फ्यू डोमिनेंट और रिसेसिव जीन। बैक क्रॉस मेथड क्या किया जाता है, बैक क्रॉस मेथड क्यों किया जाता है? आप लोगों ने जेनेटिक्स अगर पढ़ा होगा तो उसमें सुना होगा कि दो टर्म होता है, एक बैक क्रॉस होता है, एक टेस्ट क्रॉस होता है। टेस्ट क्रॉस ये पता करने के लिए किया जाता है कि ये जो F1 स्प्रिंग आई है इसके पेरेंट कौन है, तो उसलिए टेस्ट क्रॉस करा जाता है। और बैक क्रॉस किया जाता है कोई भी डिजायरेबल जीन या डिजायरेबल करेक्टर उसके माता पिता से उसके संतति में लाने के लिए किया जाता है। तो जब हम बार बार बैक क्रॉस करते हैं इसी को बोलते हैं अपग्रेडेशन। ठीक, तो अगर जैसे कोई रेजिस्टेंट वैरायटी हम तो डेवलप करनी है, तो अगर इनके पेरेंट में रेजिस्टेंसी पाई जा रही है उस डिजीज़ के प्रति, तो क्या करेंगे, अगर हम बैक क्रॉस करेंगे तो इसकी संभावना होती है कि वो जो करेक्टर है वो इस ऑफ स्प्रिंग में आ जाए और ये जो वैरायटी नहीं बने ये भी उस डिजीज़ के प्रति रेजिस्टेंट हो जाए। उसके बाद है पाम समृद्धि, ये मोस्टली रिकमेंड की जाती है सब ट्रॉपिकल कंडीशन में। अभी मैंने बताया कि स्प्राउटिंग ब्रोकली की जो सबसे अच्छी वैरायटी है वो पाम समृद्धि वैरायटी है। इसके बाद जो अंतिम और छठवीं क्रॉप है कोल क्रॉप में वो है केल क्रॉप। केल क्रॉप देखने में ऐसा होता है, काफ़ी हार्डेस्ट क्रॉप होती है। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया, वैरायटी एसिफाला। क्या होता है? एसिफाला। केल का जो बोटेनिकल नेम है वो है ब्रेसिका ओलेरेसिया, वैरायटी एसिफाला। फैमिली इसकी है क्रूसीफेरी, क्रूसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। उसके बाद जो इसकी वैरायटीज़ हैं उसमें डॉर्फ ग्रीन एक वैरायटी है जो काफ़ी अच्छी मानी जाती है, डॉर्फ मास भी एक वैरायटी है। उसके बाद है हमबर्ग मार्केट,
ये भी ठीक ठाक वैरायटी है। फिर क्रमसंग ये टाल वैरायटी है। उसके बाद स्कॉटिश और साइबेरियन, ये सब ढेर सारी वैरायटीज़ हैं जो किसकी हैं, केल क्रॉप की हैं। और ये केल जो क्रॉप है, जैसे मैंने बताया, हार्डिएस्ट क्रॉप है। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं काफ़ी हार्ड हार्ड होती हैं। और ये क्रमसंग जो वैरायटी है ज़्यादातर कहाँ यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है जम्मू कश्मीर में, ज़्यादातर ग्रो किया जाता है। तो आज के लिए केवल इतना ही। क्रॉप ढेर सारी थी, वीडियो काफ़ी छोटी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें इनसे रिलेटेड पूछी नहीं जाती हैं। ज़्यादातर बॉटनिकल नेम या वैरायटी पूछी जाती है, या विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है कोल क्रॉप में, जैसे अभी मैंने बताया स्प्राउटिंग ब्रोकली है, या कैंसर वाली, जो भी मैंने बताया कि कैंसर वाले रोगियों के लिए स्प्राउटिंग ब्रोकली अच्छी होती है, या विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, यही सब रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। आपके जो भी सुझाव हों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।